सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको पदबंध के बारे में बता रही हूँ। पदबंध क्या है? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उस इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ, ये इतना बड़ा यहाँ तक जो वाक्य है ये पदबंध है। बड़े प्रतापी राजा थे, अयोध्या भी संज्ञा है, राजा भी संज्ञा है, दशरथ भी संज्ञा है। तो इस यहाँ तक इस वाक्य का एक ही अर्थ है, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। पदबंध के पांच भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, दीवार के पीछे, दीवार भी संज्ञा है और खड़ा पेड़ भी संज्ञा है, तो दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। ये जो यहाँ तक वाक्य है दीवार से लेके पेड़ तक, ये संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध में शीर्ष में संज्ञा पदबंध होता है, अन्य सभी पद उस पर आश्रित रहते हैं। सर्वनाम पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी, भाग्य की मारी तुम, अब इसमें तुम आ गया, तो ये जो तुम है ये सर्वनाम है और यहाँ तक ये भाग्य की मारी तुम, ये पूरा वाक्य यहाँ तक होता है। अब कहाँ जाओगी, तो भाग्य से लेकर के तुम तक, ये है सर्वनाम पदबंध। विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करें तो विशेषण पदबंध होता है। जैसे उसने एक बड़े चित्रों वाली पुस्तक दिखाई, अब बड़े चित्रों वाली पुस्तक, तो ये हमारा विशेषण पदबंध हो गया। पुस्तक कैसी है, उसके अंदर जो चित्र हैं वो बड़े हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। चौथा है हमारा क्रिया पदबंध, जब एक से अधिक क्रिया पद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर भी क्रिया है और सो गया भी क्रिया है, तो पढ़कर सो गया, ये यहाँ पर क्रिया पदबंध है। पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध, जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास गया, अब रोता हुआ ये क्रिया है और धीरे धीरे है जो इसकी ये विशेषता है, क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे, तो बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास गया, रोता हुआ धीरे धीरे, इसमें ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।